दोबारा से स्वागत है आपका अभिमन्यु आईएएस में, और मेरा नाम है प्रवेश वत्स, और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी जो यूट्यूब पर सीरीज़ आती है कंसेप्ट्स इन पॉलिटी में, वेयर आई कम एवरी वीक विद डिफरेंट टॉपिक्स विच आर वर्दी टू बी स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस। तो आज हम मैं लेकर के आया हूँ एक अलग टॉपिक जो है सिविल राइट्स वर्सेज नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं और सिविल राइट्स क्या होते हैं, आज हम उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होता है, क्या रिलेशन भी है नहीं है, और कैसे इनका कैसे इनको यूज़ करते हैं लोग, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एंड इन द अभिमन्यु आईएएस हम 2200 से ज़्यादा रिजल्ट पिछले 23 सालों में निकाल चुके हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस, और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए एक नई अप्रोच के साथ आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिविल सर्विस की कोचिंग 2023 और 24 के लिए, जहाँ पर मैं एज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी डील करता हूँ पॉलिटी, जो प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, और ये दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में मिलती है। आई ऑल्सो गिव 3 डेज फ्री ट्रायल ऑफ माई कोचिंग, वेदर इट इज़ क्लासरूम और ऑनलाइन। सो दो स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इस पर डायल कर सकते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन आर टॉपिक व्हिच इज सिविल राइट्स वर्सेस नेचुरल राइट्स। सिविल राइट्स क्या होते हैं, राइट? सो सिविल राइट्स आपको ये समझ लेना चाहिए कि सिविल राइट्स आर नथिंग बट पॉलिटिकल राइट्स। सिविक्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज सेम, राइट? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सो लेट्स सी सेलियंट फीचर्स ऑफ सिविल राइट्स। दे आर कंसीडर्ड एज पॉलिटिकल राइट्स, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट बाई गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। ये ऐसे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं जो ना केवल गवर्नमेंट बल्कि सोसाइटी और इंडिविजुअल, इन तीनों से ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगर ये आपके राइट्स पर इन्फ्रिंजमेंट यानी कुछ किसी भी प्रकार का कब्जा लेना चाहें। तो अगर गवर्नमेंट चाहती कि मैं आपका आपका कुछ अधिकार मैं छीनना चाहता हूँ, सोसाइटी ऐसा कहे, इंडिविजुअल ऐसा कहे, और वो राइट आपका सिविल या पॉलिटिकल राइट हो, सो इट मींस दैट इट इज़ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। राइट, क्या होते हैं सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, उन पर भी चर्चा करेंगे। सो सिंपली दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट बाय गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। हियर दे एंश्योर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इफ यू विल रीड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, लाइक हेलेनिक वर्ल्ड बोलते हैं ग्रीक सोसाइटी को, इन द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आई डील दैट। सो द इन द हेलेनिक वर्ल्ड, जहाँ से पॉलिटिक्स की ही शुरुआत हुई है, जहाँ से एथिक्स और सारी डिसिप्लिन की शुरुआत हुई, वहां से लेके आज तक भी वी कंसीडर दैट कि पॉलिटिकल अफेयर्स आर नथिंग बट लेजिस्लेटिव एंड एडजुडिकेशन। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी टास्क ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स। राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट, राइट टू मेक लॉ, राइट टू फ्रेम लॉ, ये सारा जो सारे मुद्दे हैं ये आते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर। लॉ टू गवर्न आवर सेल्व्स, सो इट इज मेंट दैट एन इफेक्टिव एंड एन एक्चुअल सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी टाइप, ताकि उसे ये लगे कि उसको जो गवर्न करने वाला लॉ है वो उसकी मर्जी से बनाए। राइट, देन एडजुडिकेशन, विच मीन्स कि जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ एनी लॉ, वहां पर भी आप लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। राइट, ताकि कोई लॉ है अगर वो किसी का इन्फ्रिंजमेंट करता है किसी राइट का, तो उस राइट को नल एंड वॉइड कर दिया जाए। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन व्हेन ही इज डिमांडिंग सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स आर नथिंग बट द पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेचर एज वेल एज इन द एडजुडिकेशन। देन इसका मतलब एक चीज और है कि दोज राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स गिवन बाय लॉ ऑफ द लैंड टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन लिविंग ए हेल्दी पॉलिटिकल लाइफ। साधारण भाषा में अगर आपको पॉलिटिकल लाइफ जीनी है
तो वो बिना पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के आप नहीं जी सकते। अगर आप चाहें कि मैं वोट देना चाहता हूँ, यू रिक्वायर सफरेज राइट। अगर आप चाहें कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, यू वॉन्ट राइट टू कंटेस्ट। अगर आप चाहें कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में सर्व करना चाहते हैं, तो उसका भी यू शुड हैव नॉट ओनली द सिटीजनशिप बट यू हैव द क्वालिफिकेशन एज पर द लॉ, राइट? सो ऑल दीज आर द पॉलिटिकल राइट्स। ये हर किसी के हैं, बच्चे के, वुमेन के, ओल्ड एज के, ट्रांसजेंडर के, सभी के हैं, राइट? सो दे प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द इन योर पॉलिटिकल लाइफ। इफ यू हैव पॉलिटिकल राइट्स, इफ यू हैव सिविल राइट्स, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर होता है तो यू हैव जुडिशरी, देयर यू कैन जस्टिफाई दैट माई राइट इज इन्फ्रिंज्ड एंड जस्टिस इज बींग प्रोवाइडेड टू यू बाय द जुडिशरी इन अ टाइमली फैशन मैनर। अंडरस्टूड? सो ये होते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, राइट? देन इंक्लूड्स नेचुरल जस्टिस, दैट इज नॉट ओनली प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ बट ऑल्सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सिविल एंड पोलिटिकल राइट नॉट ओनली मीन्स दैट यू एंड योर राइट विल बी मेंटेन्ड एज पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश, जो लिखा गया है उसी के बिहाफ पे नहीं होगा। अगर आपका पोलिटिकल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप कितनी उसकी क्षमता है और कितनी इंटेंसिटी में आपका जो पोलिटिकल राइट वो इन्फ्रिंज हो रहा है, ये देखने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहाँ पर होता है, राइट? सो नेचुरल जस्टिस सेज दैट वी विल नॉट ओनली, नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि हम खाली किताबों में जो कानून लिखे हुए उनके बिहाफ पे डिसीजन नहीं देंगे। हम पूरी क्रेडिबिलिटी को जानने के बाद पूरे सोसाइटल एस्पेक्ट्स, हर तरीके के सर्कमस्टांसेस को भी लुक करेंगे एंड देन वी विल गिव अ जुडिशियल वर्डिक्ट। सो नेचुरल जस्टिस प्रमोट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अलोंग विद द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। वो कहता है कि कानूनी किताब के हिसाब से तो चलेंगे ही, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो ग्रेविटी है क्राइम की या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर पॉलिटिकल राइट की, उसके क्या सर्कमस्टांस है, क्या इम्प्लीकेशन है, सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद विल प्रोवाइड ए जुडिशियल वर्डिक्ट एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। देन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, राइट? ये सारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं। अंडरस्टूड? एंड देन इट एम्स टू मेक इंडिविजुअल सिविलाइज्ड। इफ यू हैव राइट टू वोट, इफ यू हैव राइट टू कंटेस्ट, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर हैविंग रीजन एंड यू आर लिविंग इन अ सिविलाइज सोसाइटी एंड यू आर वर्किंग टू मेक दैट सोसाइटी सिविलाइज्ड। बाय हाउ? बाय मेकिंग लॉ, बाय पार्टिसिपेटिंग इन टू द लेजिस्लेशन प्रोसेस, बाय पार्टिसिपेटिंग इन टू द एडजुडिकेशन और जुडिशियल प्रोसेस। आप न्याय भी दिलवा रहे हैं, आप कानून भी बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपनी सोसाइटी को सिविलाइज बना रहे हैं। रैशनल यानी दिमागदार बना रहे हैं, रैशनल साइंटिफिक थॉट्स के ऊपर आपकी सोसाइटी चले, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। अप्लाई सेम प्रिंसिपल ऑफ, यानी एक तो आप इंडिविजुअल्स को सिविलाइज्ड बना रहे हैं, इंडिविजुअल्स को रैशनल बना रहे हैं, अलोंग विद दैट यू आर मेकिंग योर स्टेट और योर कंट्री एज सिविलाइज्ड एज वेल एज रैशनल, बिकॉज स्टेट इज नथिंग बट इंडिविजुअली रिट लार्ज। एक आदमी के बड़े रूप को ही स्टेट कहा जाता है, एक आदमी और पूरे समाज को मिलकर जो उसका बड़ा रूप होगा उसको स्टेट कहा जाता है, एंड दैट इज वाई इट इज अ स्टेटमेंट बाय वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स दैट स्टेट इज इंडिविजुअली रिट लार्ज। यानी स्टेट एक आदमी का बड़ा रूप जो कि पूरा समाज होता है, उस समाज को रिप्रेजेंट करता है और उसके बिहाफ पर ही जो स्टेट है वो रन करता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टेट रिप्रेजेंट्स पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी एक आदमी की आज़ादी उसको बोलते हैं सोवरेनिटी, और सभी की हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी, और इसी के बिहाफ पे जो स्टेट काम करे उसको बोलते हैं लेजिटिमेट स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड लीगल स्टेट एंड अ हैप्पी स्टेट। देन सेलियंट फीचर्स ऑफ नेचुरल राइट्स, अगेन आई विल टेल यू कि ये जो हो गॉड और या नेचर, क्योंकि हम प्रकृति का पार्ट है तो वो हमें देता है, सो दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज नेचुरल राइट्स। यानी हम प्रकृति का पार्ट है, चाहे हम उसको गॉड कहें चाहे हम उसको नेचर कहें, उस पार्ट होने की जो वजह है और उस वजह के कारण जो हमें राइट्स दिए गए हैं उनको बोलते हैं नेचुरल राइट्स। यानी दोज राइट्स विच वी डिजर्व बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेचर, दैट दोज आर कोल्ड नेचुरल राइट्स। देन नॉट डिपेंड ऑन लॉ, कस्टम और एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट। नेचुरल राइट्स आर नॉट गिवन टू ह्यूमंस बाय एनी लॉ, बाय एनी स्टेट। वो उनके आने से पहले ही हमें मिले हुए बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ नेचर।
फर्स्ट नेचर कम्स, स्टेट कम्स वेरी लेट, राइट। सो जो नेचर ने हमें राइट्स दे दिए हैं वो कानून नहीं देगा, कानून के तो अपने अलग राइट्स होते हैं, राइट। बट प्रकृति ने जो हमें राइट्स दिए हैं वो हमारे स्टेट से आने से पहले मिले हैं, और इसीलिए यूनिवर्सल है, परमानेंट है, ट्रांसेंडेंटल है, यूनिवर्सल परमानेंट, यानी इनको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और यूनिवर्सल, चाहे वो अफगानिस्तान में आदमी रहता हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो रशिया में, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो हिंदुस्तान में, हर किसी को ये प्रोवाइड है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड विच इज अ नेचर, राइट। बिकॉज गॉड इज वन। जो वेस्टर्न सोसाइटीज में रहते हैं वो भी उसी सुपीरियर पावर को मानते हैं गॉड, हम भी उसी सुपीरियर को पावर को गॉड मानते हैं, दो वी हैव डिफरेंट यू नो वेरिएशंस हमारे प्रीचिंग स्टाइल में, बट गॉड तो एक ही होता है, राइट, दैट सुपीरियर पावर। सो दैट इज व्हाई दे आर यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू एवरीवन, बिकॉज वी आर ऑल द पार्ट ऑफ सेम नेचर। देन परमानेंट कांट बी टेकन बाय एनीवन बिकॉज नेचर हैज गिवन, एंड ट्रांसेंडेंटल यू कांट टेक देम, बिकॉज इफ यू विल टेक देम अवे यू विल मेक दैट इंडिविजुअल अवे फ्रॉम हिज नेचर। हम प्रकृति से ही अलग हो जाएंगे अगर वो प्राकृतिक राइट्स हमारे छीन लिए जाए। देन अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। ऐसा माना जाता था कि स्टेट पहले आता है और इंडिविजुअल्स बाद में आते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल ने भी कहा था कि लॉजिकली स्टेट कम्स प्रायर टू मैन, बट नेचुरली मैन कम्स प्रायर टू स्टेट। सो ही यू नो बिलीव्ड इन बोथ द कंसेप्ट्स कि वी हैव नेचुरल राइट्स, और नेचुरल राइट स्टेट नहीं देता है क्योंकि आदमी पहले आता है, स्टेट सोसाइटी बाद में आती है। लेकिन उनको बचाने के लिए स्टेट की जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले स्टेट आता है लॉजिकली, नेचुरली तो आदमी आता है बट लॉजिकली स्टेट आता है और वो उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट ही करता है, राइट। सो इंक्लूड राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। नेचुरल राइट्स के ऊपर अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यक्तित्व दिए, जैसे कि जीन जैक रूसो, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन प्रोवाइडेड नेचुरल राइट्स, लेकिन क्योंकि हम मॉडर्नाइज्ड हो गए हमारे नेचुरल राइट्स कहीं खो गए हैं, उन्होंने भी ये बातें कही। और उन्होंने कहा कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेंज। तो उनके कहने का मतलब ये था कि वी हैव बीन प्रोवाइडेड नेचुरल राइट्स एंड वी शुड यूज आर नेचुरल राइट्स टू मेक आर लाइफ हैप्पियर। उनके बाद लॉक, जॉन लॉक नाम के एक फिलोसफर आए, जिन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीदना, अपनी जिंदगी की रक्षा करना और लिबर्टी यानी आनंद के साथ खुशी से रहना, आज़ादी से रहना, ये सारे ही पार्ट हैं नेचुरल राइट्स, यानी हमें प्रकृति ने दिए हैं। और इनके बाद एक और फिलोसफर आए जिनका नाम था मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा कि ये सारे नेचुरल राइट्स तो हैं ही, बट इनके साथ आपका एक और राइट है जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी प्रकृति ने इंसानों को भी बनाया और जानवरों को भी, तो जानवरों से ऊपर प्रकृति ने इंसानों को रखा है क्योंकि उनके पास बोलने का अधिकार है, उनके पास अपने व्यक्तित्व को समझाने का, अपने व्यक्तित्व को आगे ले जाने का अधिकार है। दो वी हैव नेचुरल राइट्स फॉर एनिमल्स आल्सो एंड दे आर आल्सो इक्वली कंसीडर्ड यू नो गुड एंड इक्वल विद द ह्यूमन राइट्स। सो इन यू नो कट शॉर्ट, आई वुड लाइक टू टेल दैट नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड नेचर कम्स फर्स्ट, देन स्टेट एंड सोसाइटी कम, एंड दे आर यूनिवर्सल परमानेंट, दे कांट बी टेकन अवे फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। इफ यू टेक देम इट विल सिंपली मीन्स दैट यू आर यू नो सेपरेटिंग एन इंडिविजुअल विद हिज नेचर एंड यू आर प्लेइंग विद द नेचर और द स्पिरिट ऑफ गॉड, राइट। सो दिस मच इज इन दिस क्लास ऑन नेचुरल राइट्स वर्सेस सिविल राइट्स। होप एवरी वन इज एबल टू अंडरस्टैंड वट आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू, and so we'll meet you on the next week on a next topic. So stay healthy, stay wealthy, read well. Thank you so much.